तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई होप दोस्तों सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम HSPT के रिजल्ट के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाले हैं और कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो के में हम बताएंगे कि कुछ बच्चे का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू PCF फीस सबमिट नहीं कर पाए हैं इसके वजह से, तो इसका क्या कुछ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे PCF फीस सबमिट कर दिए हैं, ठीक है, प्रूफ भी मेरे पास सेंड कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे और आपको सोल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है, कि क्या कुछ आपको स्टेप लेना है कि आपका रिजल्ट विद इन 1 डे 2 डे के अंदर आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। और सबके रिजल्ट आएंगे दोस्तों, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखो, लास्ट तक देखो, और प्लीज़ सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। यार, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई क्वेरी हो आप कहीं भी पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है व्हाट्सअप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ भी मेरे DM कर सकते हो, नहीं तो आप नीचे कमेंट कर दो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो बच्चे पास हो गए हैं, जो बच्चे ऑल क्लियर है, उनको सबसे पहले मेरे तरफ से अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। और जो बच्चे का रीअपीयर आ गया है तो घबरा मत, आप लोग रीचेकिंग में डाल दो। रीचेकिंग का आपको पता है तारीख कितना है, 22। अगर आप 100% कॉन्फिडेंस है तो आप कॉपी भी मंगा सकते हो, उसका 1000 रुपये पर कॉपी का चार्ज है, ठीक है। तो आप दो काम कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि जो बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग शो कर रहा है, बहुत सारे बच्चे फी पेड कर दिए हैं फिर भी उसका रिजल्ट पेंडिंग शो कर रहा है। बहुत सारे बच्चे का मेरे पास कमेंट आया, बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल कर रहे हैं। तो देखो, इसमें किसी भी बच्चे को घबराना नहीं है, ठीक है, पैनिक किसी भी बच्चों को लेना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो HSPT बोर्ड ने आपको PCA के टाइम में जो फीस स्लिप दिया था, आपने जैसे भी फीस सबमिट किया होगा ऑनलाइन ऑफलाइन चलान के थ्रू, ठीक है, तो उन फीस स्लिप को लेकर और एक एप्लीकेशन, ठीक है, फीस स्लिप का फोटोकॉपी ले लेना और एक एप्लीकेशन लिख लेना, ठीक है। एप्लीकेशन में पूरा डिटेल होना चाहिए, आपके नाम, फादर्स नेम, ब्रांच, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और आप विथ इन प्रूफ लगा के आपको अपने कॉलेज में जाना है और अपने एग्ज़ाम ब्रांच में, आपको HOD आपको टीचर को नहीं सौंपना है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम ब्रांच पे जाना है जहाँ से रिजल्ट अपलोड होता है, जहाँ से रिजल्ट HSPT में भेजा जाता है वहाँ पे जाना है, ठीक है। सब कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम ब्रांच के डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ पे एप्लीकेशन और जो आपके फीस स्लिप का जीरोक्स है उसको दे देना सर को, ठीक है। और आपको अपना प्रॉब्लम शेयर करना है कि सर रिजल्ट नहीं आया, मैंने फीस मतलब भरी रखी है, ठीक है, विथ प्रूफ। तो जो आपका एप्लीकेशन है और जो फीस स्लिप है उनको आपके कॉलेज के जो भी मेम्बर है वह HSPT को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, भाई मेल जो भी है वो करेगा, देन आफ्टर आपको HSPT बोर्ड रिजल्ट वहाँ से क्लियर कर देगा और आपका रिजल्ट शो कर देगा। आपका रिजल्ट भी बन चुका है, ठीक है, जिस बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग शो कर रहा है आपका भी रिजल्ट बन चुका है। जैसे ही फी का मैटर ख़त्म होगा तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जिस बच्चे के पास फीस स्लिप नहीं है, गुम हो चुका है, तो आप भी मत घबराओ, कॉलेज के पास सारे रिकॉर्ड रहता है, किस बच्चे ने फी भरी है, किस बच्चे ने फी नहीं भरी है। आपको सिर्फ एप्लीकेशन लेके जाना है और वहाँ पे पहुँच कर आप अपने सर से जो भी एग्ज़ाम ब्रांच पे आपने फी कटवाया होगा उनका एक रिसिप्ट नंबर होता है, ऊपर में आप देखोगे तो रिसिप्ट नंबर 100 होगा, ठीक है, अगर आपने ऑफलाइन या चलान के थ्रू कटा रखा है तो उसे लिखना है एप्लीकेशन पे नीचे, ठीक है, और फिर आपको सर को दे देना है। फिर आपके सर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, देन आफ्टर HSPT को मेल या जो भी होगा वो कर देंगे। फिर HSPT बोर्ड ने रिजल्ट को विद इन वन डे आपका रिजल्ट पब्लिश कर देगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग आज नहीं कल नहीं मंडे को सारे बच्चे एप्लीकेशन और विथ फी स्लिप 350 जो आप PCA फी स्लिप दे रखे वो लेकर कॉलेज में पहुंचो, सबका सॉल्यूशन होगा, सबका रिजल्ट आएगा विथ इन वन डे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ विथ इन वन डे के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। 24 आवर्स में लगता है, ऐसा केस पहले भी आ चुके हैं बच्चे का, ठीक है। हाँ, और आपने PCA का फी नहीं भर रखा होगा तो बिल्कुल आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखो। अगर आपने फी भर रखा होगा तो आपके रिजल्ट आएंगे 100%, ठीक है। तो आप प्रोसेस करो, प्रोसेस अपनाओ, कॉलेज में जाओ, एप्लीकेशन लिखो, फीस स्लिप लगाओ, ठीक है, फिर आपको कॉलेज फिर इसको HSPT में मेल करेगा, देन आफ्टर आपका रिजल्ट आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो यही बातें शेयर करना था, बच्चे को घबराना नहीं है, पैनिक मत लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।